राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी मंच प्रवेश करुछंती ओडिसार बरेण्य मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय एवं मंच रे उपस्थित रहुछंती माननीय श्री सुरेश प्रभु जी माननीय श्री जोएल ओराम जी एवं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आमे समस्तंकु पूर्ण थरे आपण मानकर उच्छसित विपुल करताळी रे अभिनंदन जणाउछु अभिवादन जणाउछु आज रे विशेष तिथि रे विशेष कार्यक्रम अवसर रे बरेण्य अतिथिंकर उपस्थित कार्यक्रम रे श्रीमंडन करुछि एवं कार्यक्रम रे गरिमा को व्यक्त करुछि आमे निवेदन करिवो मंच रे आसीन होगापी वी टेक द प्रिविलेज ऑफ रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज टू काइंडली बी सीटेड हमें खुशी है कि आज हमारा बीच उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री जी और अदर डिग्निटरीज माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नगर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी हमारा बीच है मैं निवेदन रखूंगा कि माननीय श्री प्रभु जी अब स्वागत भाषण प्रदान करें श्री सुरेश प्रभु जी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी महामहिम राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी मेरे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी रोहिम जी यहाँ के सभी मंत्रीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहनों आज ये उड़ीसा के लिए एक बड़ा तोहफा देने के लिए हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे हैं आप सबकी तरफ से उड़ीसा की जनता की तरफ से और देश में हवाई सफ़र करने वाले सभी लोगों की तरफ से मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में 50 महीने में देश की हवाई सेवाओं में हर महीने में 20% से ज़्यादा वृद्धि हुई है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई हवाई क्षेत्र होगा तो हमारे देश का क्षेत्र है और ये 50 महीने कौन से 50 महीने हैं ये 50 महीने जब से शुरू होते हैं जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद के जो 50 महीने उसी में यह वृद्धि हुई है यानी हम साफ अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छी नीतियां अच्छा नेतृत्व बनाने के बाद देश में क्या प्रगति हो सकती है इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे सामने है और आज का जो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है ओडिशा में पश्चिम ओडिशा में ये सबसे पहला एयरपोर्ट है और मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत ही जल्द रूरकेला में जो उत्तरी ओडिशा है जयपुर में जो दक्षिण ओडिशा है और उत्केला में वो भी जो दक्षिण में आता है वहाँ पर भी बहुत ही जल्द नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे हमने 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ लोगों की यातायात हो सके इसके लिए एक कार्यक्रम बनाया है और उसके लिए 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश करके नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे अगले 15 सालों में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट $65 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से किए जाएंगे आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ान का भी एक हवाई हरे झंडा दिखा के उद्घाटन करेंगे पिछले 2 सालों में 56 एयरपोर्ट 31 हेलीपैड्स उड़ान के तरफ से आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आदेश दिया उसके अनुसार बनाए गए हमें याद है एक ज़माना ऐसा था कि हर आदमी ज़मीन पर खड़ा रह के एक सपना देखता था कि मैं ऊपर से यहाँ से हवाई जहाज देख रहा हूँ उसमें बैठने का मौका कब मिलेगा आज ये दिन आ गए है कि कोई भी आदमी हवाई जहाज में बैठ के नीचे देख के कह रहा है कि जो और बचे हैं उनको हमें मौका कब मिलेगा और उसीलिए भी आज की शुरुआत हो रही है मैं उसीलिए भी सम्माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ 4,500 करोड़ रुपये की एक योजना उड़ान के तरफ आज 31 हेलीपैड की शुरुआत हो गई है और इसलिए आने वाले दिनों में भी हर आदमी की ख्वाहिश हवाई जहाज से सफ़र करने की पूरी होगी इसीलिए भी आज के जो सफ़र करने वाले उनकी तरफ से भी और जो उम्मीद रख रहे हैं कि हम सफ़र करेंगे उनकी तरफ से भी मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय उड़ीसा We are thankful to Honorable Union Minister for Civil Aviation, Sri Suresh Prabhuji, for his kind presence and for presenting the welcome address.
आम गहन उपस्थित रही ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय उपस्थिति पूर्वक आम समस्त अनुगृहित करथिबा माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पटनायक जी को आम निवेदन करिवो निजर संबोधन को रखिबा पई मान्यवर प्रधानमंत्री जी मान्यवर राज्यपाल जी मान्यवर केंद्र मंत्री गण मान्यवर सांसद मान्यवर विधायक गण प्रिय भाई और भौणी माने आपन मानन को समस्त को नुआ खाए जुहार आज आम समस्त बहुत खुशी रो दिन पश्चिम ओडिशा वासी बहु दिन स्वप्न साकार ओडिशार सेकंड एयरपोर्ट आज झारसुगुड़ा रे उद्घाटित होतीपाई मु माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनावि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को महान संग्रामी वीर सुरेंद्र साय नाम रे नामित करिबा पाई उड़ीसा सरकार भारत सरकार को अनुरोध करिछंती संपर्क रे उड़ीसा असेंबली मध्य रेजोल्यूशन पास करिछि देश पाई ए जाति पाई वीर सुरेंद्र साई को त्यागर तुलना नहीं से महान संग्रामी को स्मृति रे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को नामित करिबा पाए मु माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करिछि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पाए राज्यर सरकार मांगना रे 120 एकर जमी पानी और बिजली जोगाई दिया यार विकास पाई राज्य सरकार 75 करोड़ टंका मध्य आगो को मध्य सब सहयोग जोगाई दिया जीवो आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर सपोर्ट इन एस्टैब्लिशिंग the second commercial airport in Odisha. In order to make Jharsuguda a full-fledged commercial airport, I would further request the Government of India to consider introduction of commercial flights in addition to the UDAN flights. To begin with, one of the Air India flights from Bhubaneswar to Delhi may be routed through Jharsuguda. I am also happy that the minds of NTPC and MCL and an important rail link are also being dedicated to the nation today. Odisha as a coal-bearing state has contributed immensely to the economy and growth of the nation, but we have to face the adverse effects of mining, such as displacement of people, reduction in forest area, environmental pollution and strain on water resources and infrastructure. Therefore, we have reasonable expectations of revenue contribution from the coal mining sector. I'd request our Honorable Prime Minister on behalf of our state to revise the rate of royalty of coal. This will help in accelerating development of this part of our state. I once again thank the Honorable Prime Minister for his gracious presence on this occasion today.
I congratulate the officials of the Airport Authority of India, NTPC and MCL, and wish them all the best in their endeavors to serve the nation. I would like to also request the Honorable Prime Minister and the Civil Aviation Minister who is present here that Jharsuguda be made into a full-fledged airport and that Air India should see that the number of seats and this route should be done regularly. And we from the state government side are willing to support for a year a number of tickets to be reimbursed by the state government. Muapan Mananku Samastanku Bhot Bhot Dhanyavad Devchi Hajiro Sundar Karyakram Pai Dhanyavad Namaskar Juhar. Vasinkar Abega, Evang Priti Prabhanataku Nijara, Sambodhanare Spashta Bhavare Prakash Karithiba, Mananiya Mukhyamantri Odisha Sri Navin Patnaik Jinka Nikatare, Ame Krutagnata Nivedan Karuchu, Aaj Hame Garv Hai Ki Vividh Prakalpon Ki Shubharam Mananiya Pradhan Mantri Ji Ki Kar Kamal Se Hoga. Pratikshit Jharsuguda Mein Nayi Hawaii Adde Ki Udghatan Se Pehle Prastut Hai Ushi Par Ek Vritta Chitra. भारतीय विमानपत्तन द्वारा ओडिशा के पावर हाउस के नाम से प्रसिद्ध झारसुगुड़ा में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस हवाई अड्डे को ओडिशा सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से पहले चरण में एयरबस 320 किस्म के विमानों की उड़ान के लिए तैयार किया गया है। 1027.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के निर्माण की लागत लगभग 210 करोड़ रुपए है। ये टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 300 यात्रियों के संभालने की क्षमता रखता है। झारसुगुड़ा ओडिशा के 5 हवाई अड्डों में से एक है जिसे क्षेत्रीय संपर्कता प्रदान करने के लिए केंद्र की प्रमुख योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत चुना गया है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके निर्माण से ओडिशा के इस औद्योगिक जिले के निवासियों को यात्रा में सुविधा होगी तथा यहां के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण में झारसुगुड़ा हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया झारसुगुड़ा में नए हवाई अड्डे के उद्घाटन करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज टू बी काइंडली सीटेड। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज टू बी काइंडली सीटेड ऑन द चेयर। To be kindly seated. अब सुंदरगढ़ में नई ग्रीनफील्ड ओपन कास्ट कोयला खदान गर्जन बहाल और झारसुगुड़ा बरपाली सरडेगा रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित होगा, परंतु उसके पहले प्रस्तुत है एक झलक। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सदा से सोच रही है कि नए भारत का निर्माण तभी होगा जब पूर्वी प्रदेशों का विकास होगा। पूर्वी प्रदेश ओडिशा में खनिजों और प्राकृतिक संपदाओं तथा संभावनाओं का भंडार है। इस क्रम में कोयला की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए नए कोयला खदानों की खोज और उनका खनन हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। इस दिशा में महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड सतत प्रयत्नशील है और 7 साल बाद एक नए हरित ओपन कास्ट कोयला खदान को खोलना इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। इस कोयला खदान में 230 मिलियन टन की कुल क्षमता है और 13 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला निकालने की योजना है, जिससे लगभग 2600 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र को चलाया जा सकता है। इस खदान से लगभग 25 वर्षों तक उत्पादन हो सकेगा। इस खदान के चालू हो जाने से लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये खदान नए ओडिशा को तो आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा ही, साथ ही नए भारत के निर्माण में भी अपना बहुमूल्य योगदान देगा। हमें गर्व है
कि माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा गर्जन बहल ओपन कास्ट परियोजना का आज उद्घाटन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद पहली बार पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता मिली है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिमी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के सुदूर जनजातीय और अविकसित क्षेत्र को रेल के माध्यम से देश के अन्य भागों से जोड़ा जा रहा है। उत्पादकता वृद्धि और कोयले की ढुलाई संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेवारी अपने हाथों में ली है। इसके अंतर्गत झारसुगुड़ा बारपली सरडेगा रेल परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे भारतीय रेल क्रियान्वित कर रहा है। 53.1 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण में लगभग 1124 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन पूर्ण रूप से महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 104 पुलों का निर्माण भी किया गया है। इस रेल मार्ग के अंतर्गत 6 स्टेशन झारसुगुड़ा, मालीडीही, केचबहल, लाइकरा, बारपल्ली और सरडेगा है। इस रेल मार्ग द्वारा 13 मिलियन टन कोयला की ढुलाई की क्षमता है। पहले कोयला की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती थी, जिससे प्रदूषण भी फैलता था। वहीं दूसरे लाइन के पूर्ण हो जाने के बाद 35 मिलियन टन कोयला की ढुलाई पर्यावरण के अनुकूल माध्यम से की जा सकेगी। इसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन किया जा सकेगा। आज एक ऐतिहासिक अवसर है, जब माननीय प्रधानमंत्री इस रेल परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी गर्जन बहल और रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पण करें। पहले गर्जन बहल। Now Jharsuguda Barpali Sardega rail link being dedicated to the nation by Honorable Prime Minister. We are extremely grateful and I request all the dignitaries to be kindly seated. Ab Sundargarh mein Dulanga Koila Khadan se Koila Utpadan aur Paribahan ki Shubharam hoga. But prior to that, presenting a short film. NTPC भारत की एक महारत्न कंपनी जो देश की एक चौथाई विद्युत जरूरतों को पूरा कर रही है। NTPC विभिन्न प्रकार के ईंधन के साथ साल 2032 तक 130 गीगावाट क्षमता वाली कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। दुलंगा कोयला खदान सुंदरगढ़ ओडिशा में NTPC का प्रथम कोयला खनन एवं संग्रहण क्षेत्र है। NTPC अपनी सभी परियोजनाओं के निकटवर्ती गांव में शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे कार्यों को बढ़ावा देती है। इससे सभी को बेहतर जीवन स्तर मिल रहा है। 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुलंगा खदान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दुलंगा खदान से निकले कोयले से NTPC का विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और ये देश में समृद्धि लाने के साथ साथ लाखों परिवारों के जीवन स्तर को भी बेहतर करेगी। अभी हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया दुलंगा कोयला खदान से उत्पादन और परिवहन के शुभारंभ करें। हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन रखते हैं कि कृपया आसर को संबोधित करें। ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान प्रोफेसर गणेशी लाल जी, राज्य के मुख्यमंत्री
श्रीमान नवीन बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जुएल उराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज मैं तालचेर से आ रहा हूँ। लंबे अरसे से बंद पड़ा फर्टिलाइजर का कारखाना, उसका पुनरुद्धार करने का प्रारंभ आज वहाँ किया गया। करीब 13,000 करोड़ रुपये की लागत से, एक प्रकार से ये उस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनेगा। उसी प्रकार से आज मुझे यहाँ पर आधुनिक उड़ीसा, आधुनिक भारत, उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसी के तहत आज यहाँ वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का प्रारंभ करने का अवसर मिला। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वीर सुरेंद्र साई का नाम सुनते ही उड़ीसा की वीरता, उड़ीसा का त्याग, उड़ीसा की समर्पण की गाथा, उसकी तरफ भी स्वाभाविक आकर्षित होंगे। आज यहाँ मुझे एक साथ अनेक विध और योजनाओं का भी शुभारंभ करने का अवसर मिला है। यह हवाई अड्डा एक प्रकार से उड़ीसा का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। अब इतने साल क्यों नहीं बना, उसका जवाब आप लोगों ने खोजना है। हो सकता है मेरा इंतजार हो रहा था। मैं गुजरात से आता हूँ, हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, एक प्रकार से रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। उस एक डिस्ट्रिक्ट में 5 हवाई अड्डे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में। आज इतने सालों के बाद उड़ीसा में दूसरा हवाई अड्डा बन रहा है। जबकि अभी सुरेश जी बता रहे थे कि देश में जिस प्रकार से हवाई उड़ान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे देश में, देश आज़ाद हुआ तब से अब तक जो कुल हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसकी संख्या करीब 450 है। आज़ादी से अब तक, और इस एक वर्ष में नए 950 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, किस तेजी से पहुंच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा एक प्रकार से एक ऐसे त्रिवेणी संगम पर है जो भुवनेश्वर, रांची, रायपुर तीनों के साथ एकदम से सेंटर पॉइंट बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की कितनी संभावनाओं के पंख इसके कारण लगने वाले हैं, कि नई उड़ान उसके कारण भरने वाले हैं।
झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों को, उसके उद्योग जगत के लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक सुविधा बहुत आवश्यक होती है। तभी जाकर के वो सरलता से आना जाना एक बार होता है तो फिर वो अपना बिजनेस की दृष्टि से भी रिस्क लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों की सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। पश्चिमी भारत का विकास होता रहे और पूर्वी हिंदुस्तान का विकास न होता रहे तो ये असंतुलन देश के लिए संकट पैदा करता है, और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि पूर्वी हिंदुस्तान का विकास हो। उड़ीसा का विकास उसका एक अहम हिस्सा है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इस सारे क्षेत्र का विकास ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आज मैं यहाँ एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहा हूँ, दो दिन के बाद परसों मैं सिक्किम में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितना। आज मुझे कोयला खदान का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि आज जीवन की गतिविधि के केंद्र बिंदु में ऊर्जा है, और उड़ीसा भाग्यवान है, उसके पास ब्लैक डायमंड का खजाना है, लेकिन वो अगर पड़ा रहता है तो बोझ है, निकलता है तो रौनक है, और इसलिए उसे निकालने का काम, उसमें से ऊर्जा पैदा करने का काम, उसमें से विकास की संभावनाओं को तराशने का काम, उसकी भी आज यहाँ शुरुआत हो रही है। और मैं दारलिपली थर्मल पावर, उसकी जो कोयले की आपूर्ति है, उसकी भी उसके साथ आज एक रेलवे का भी, एयर कनेक्टिविटी का भी महत्व है, रेल कनेक्टिविटी का भी महत्व है, और बदले हुए युग में कनेक्टिविटी ये सबसे बड़ा अनिवार्य अंग हो गया है विकास का। चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवे हो, या चाहे हाईवेज हो, वाटरवेज हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के हाईवेज भी उतने ही जरूरी हो गए। आज पहली बार आदिवासी क्षेत्र के साथ रेल का जुड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कनेक्टिविटी उड़ीसा के चहुंदू दिशा में विकास के लिए एक संबल पुरवार होगी। मैं फिर एक बार यहाँ के सभी नागरिकों को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए अत्यंत गर्व की लागणी अनुभव करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज बेनाइन प्रेजेंस एंड फॉर हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स। आई टेक द प्रिविलेज ऑफ रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन श्री सुरेश प्रभु जी टू काइंडली प्रेजेंट ए मेमेंटो टू Honorable Prime Minister, along with the SAL, as a token of love and appreciation to his benign presence. With a big round of applause, we welcome Honorable Prime Minister. The memento is a portrait of Goddess Samaleshwari, the presiding deity of Western Odisha, woven in the tradition of Bandha Kala, a typical Odishan weaving art form. We feel honored in felicitating Honorable Prime Minister. Ab Uddan Yojana ke antargat Jharsuguda Raipur sector ke beach Hawaii Seva ke shubharambh ke liye hum mananiya Pradhan Mantri जैसे निवेदन करते हैं। Now I request Honorable Prime Minister and other dignitaries to kindly be seated. अपन माने माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो
शुभोद्घाटन होइछि शुभारंभ होइछि फ्लाग ऑफ होइछि तार दृश्य को आपण माने देखुछंती जहाँपाय समग्र ओडिशा बासी विशेषकर पश्चिम ओडिशा बासी स्वप्न देखिथिले उड़ान योजना रो झारसुगुड़ा सह रायपुर संयुक्त होउछि जहाँ उड्डे देश का आम नागरिक परियोजना को सफल करुछि एवं उड़ान विमान वाटर कैनन सैल्यूट पानी फुआर सलाइम को ग्रहण कर आगो को बढ़ुछे जहाँ आपण माने देखुछंती झारसुगुड़ा तथा पश्चिम ओडिशा आदिवासी जो स्वप्न रही थिला ताको साकार करिवा पई एहा मध्ये प्रस्तुत अछि एवं एथि सहित आम समस्त दीर्घ दिन स्वप्न एवं अपेक्षार अंत घटी स्वप्न होइछि साकार आम विशेष भाव में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वरिष्ठ अतिथि उपस्थिति यहाँ संपादित होइथिबार कृतज्ञता निवेदन करुछु एवं एहा परे परे रहिछि प्रस्तुत है उड़ान फ्लाइट के ऊपर एक वृत्तचित्र उड़ान शब्द सुनने मात्र से ही बहुत सारी कल्पनाएं मन में कुलांचे मारने लगती हैं। इन्हीं कल्पनाओं में से एक है अपने गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुरक्षित पहुंचना। उस पर भी अगर यात्रा का मार्ग हवाई हो तो कहने ही क्या, मानो सपना ही सच हो गया। इस सच होते सपने को आम आदमी की पहुंच तक लाने का श्रेय जाता है भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को। उड़ान योजना के अंतर्गत 500 किलोमीटर की हवाई यात्रा के लिए अधिकतम 2500 रुपए प्रति व्यक्ति किराया निर्धारित किया गया। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है वो हवाई चप्पल पहनता है, और मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। इस अभूतपूर्व कदम ने मात्र एक वर्ष में 56 नए एयरपोर्ट और 31 हेलीपैड जोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, अपने ध्येय को सार्थक करते हुए आम आदमी के सपनों को नई ऊंचाइयां दे रहा है। उड़ान, सब उड़े, सब जुड़े। Congratulate and we welcome Honorable Prime Minister and other dignitaries, and the rest of the dignitaries are seeing the Prime Minister and other dignitaries off. आपण मानको पुणी थरे आजरे कार्यक्रम को सफल करितिवारु कृतज्ञता निवेदन करूछु। भव्य उपस्थिति माध्यम रे आममानको प्रोत्साहन दे प्रति मुहूर्त रे आममानकर उच्छ्वास एवं आममानकर सेही स्वतंत्र अभिमुख्य को आपण माने अधिक भावरे रोमांचित करिछन्ते। पुणी थरे ए सफलतार श्रेय आम आपण प्रदान करिवु एवं झारसुगुड़ावासी पश्चिम ओडिशावासी जो मानकर ए उपस्थिति एवं सहयोग पई निर्धारित समय रे निर्दिष्ट समय रे कार्यक्रम संपादित होईछि आपण मानकर शुभेच्छा इबळी अतुट रही थाउ एवं आगामी दिन रे मध्य आमे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण आनुकूल्य रे आउ जो विविध कार्यक्रम सब रहीछि तार स्वतंत्र भाव रे तार आमे सफलतार कामना करिबा सहित ताकु सुंदर भाव रे समाहित करिबा पई प्रतिबद्ध होउछु अंगीकारबद्ध होउछु एवं दूरदर्शन कर्तृपक्ष को कृतज्ञता जणाइबा सहित समस्त गणमाध्यम रे वैद्युतिक एवं
प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्त बंधु मान को आम विशेष धन्यवाद देउछु ए सफलतार श्रेय आपण मान को प्रदान करुछु एवं पुणी थरे आपण मान को सहयोग आम पे अतुट रहिबो ए विश्वास रखुछु पुणी थरे माँ समलई करुणा भिक्षा करुछु जय माँ समलई जय श्री जगन्नाथ। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट छाड़ी देले न आपण माने समस्ते अपेक्षा करिछन ना समस्ते अपेक्षा करिछन आउ दुई तीन मिनिट भितरे प्रधानमंत्री आमर समस्त गहन रे उपस्थित हेबे आपणकर मध्य धैर्य च्युति होचे मोर मध्य धैर्य च्युति होचे प्रधानमंत्री को जल्दी देखबार लागि आउ दुई तीन मिनिट लगवा दुई तीन मिनिट भर मंच में पहुँचे ये भितर खाली पदे कथा मुझे कहबार लगी चाहूचे ये नुआखाई समय चलचे सबको मोर नुआखाई जुआर है इन नुआखाई आजकल आम झारसुगुड़ा समलपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ बलांगीर कलाहांडी जितकी होचे तारनु अधिका तो बाहर होचे मुई बेंगलोर के भी नुआखाई भेटघाट लगी जाइसी बहुत पिला आमर इनर छुआ मैंने पश्चिम ओडिशार छुआ मैंने बेंगलोर रे अच्छा पश्चिम ओडिशार छुआ मैंने हैदराबाद रे अच्छन पश्चिम ओडिशार छुआ मैंने सूरत रे अच्छन दिल्ली रे अच्छन मुंबई रे अच्छन कोलकाता रे अच्छन एवं बहुत भल काम करुछन भारत ओडिशा बाहर जन मैंने अच्छन पश्चिम ओडिशार छुआ मैंने बहुत बढ़िया काम करुछन
जेबे नुआ कई भेटकार लगी पहले बेंगलोर गले हैदराबाद गले मुंबई गले दिल्ली गले गुटे कथा पत्रासन जे दादा केबे अमर एरिया रे उड़ा जाय चलबा बहुत समय लागुचे 24 घंटा 36 घंटा लागुचे ट्रेन रे जीवन लगी बहुत समय रे घरे बापा मां कर प्रति विपत्ति पड़ला बोले की भी छुआ मन को आसवा लगी 24 घंटा रो अधिक लागुचे समस्त मन रे थिला जे दादा केबे अमर एरिया रे एयरपोर्ट हेता गए सेमन कर लगी भी उपहार है जे कालटा आस्थानो जेन मने बाहरे अचन आम अंचल छुआ मैंने चाकरी करुचन पाठ पढ़ुन से मैंने एथरा ट्रेन रे आसवार तो आवश्यकता नहीं न एकदम दुई घंटार उड़ीकर झारसुगुड़ा पहुँची पार्बे कलाहां बलांगीर के जीवार लगी से मध्य मोर बहुत बहुत शुभकामना बड़ बड़ संस्था मैंने आसवा प्रोफेसर मैंने आसबे भल भल डाक्टर मैंने ये अंचल के आसबे मत लगुचे जे प्लाटफर्म है एयरपोर्ट प्लाटफर्म है विकास थोड़े प्लाटफर्म तैयारी ये अंचल विकास हवा आम आगामी दिन में प्रयास करमा जे झारसुगुड़ार केमती विकास हो पश्चिम ओडिशार केमती विकास हो बरगढ़ जिलार केमती विकास होता सोनपुर जिलार केमती विकास होता देवगढ़ जिलार केमती विकास होता कलाहांडीर केमती विकास होता ये सतीर लगी आगामी आगामी ओडिशा के गठन करवार लगी ओडिशा के समृद्ध करवार लगी ओडिशा के विकसित राज्य मानकर संगे समस्कंद करवार लगी समय आसीचे आगामी दिन आप समस्ते सामिल हूँ समस्ते हाथ बढ़ाऊन ओडिशा के सबुठ प्रगतिशील राज्य भाव में परिणत करवा ओडिशा को भारत बर्षर शिखर प्रदेश मान भर नहीं पहुँचामा एवं आमर सभापति श्री अमित शाह जेन लक्ष्य दे 120 प्लस 20 वर्ष होगा गोटे सरकार 20 वर्ष होगा गोटे मुख्यमंत्री तथापि विकास नहीं प्रत्येक दिन समस्या ही समस्या आईन श्रृंखला तो विपर्यस्त है माँ भौणी मान अत्याचार सब अधिक कष्ट दौचे ये अंचल दान माझी निजर कनियार शव के बुढ़ी बोहकर जीवाके पड़े 108 आंबुलांस सेवार ठीक भाव में इस्तेमाल हेबार समूह आसीचे बहुत युवक मैंने आसीचन बहुत युवक मैंने स्कूल कॉलेज युवक मैंने आसीचन बहुत मान आसीचन जेन मैंने बुद्धिजीवी अच्छा मोर समस्त परामर्श है समस्त को निवेदन है आसन समस्ते हाथ मिलामा थे ओडिशा रे केबे बिजु जनता दल के ये जनता दल के बहुत तर सुजोग मिललान कांग्रेस पार्टी के मध्य ओडिशा रे बहुत तर सुजोग मिलचे केबे भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा रे सुजोग निहे मिले केबे नरेंद्र मोदी के पार्टी के ओडिशा रे सुजोग निहे मिले थरे थरे जदि भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा रे सुजोग मिलता जेनटा 70 वर्ष रे नहीं आमको जी 5 वर्ष सुजोग मिलवा ओडिशा को विकसित करके देखा लगे भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत अच्छे आपण मन सहयोग लगे बहुत बहुत अभिनंदन भारत माता की। धन्यवाद राष्ट्रीय संपादक माननीय सुरेश पुजारी भारतीय जनता पार्टी रो राज्य सभापति माननीय बसंत पंडा जी आपण मन को उद्बोधन देइछन जदि सुजोग मिलला 2019 रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार ओडिशा रे हेबा तो ओडिशा रो विकास रो धारा केंता बदलबा भारत बर्षर अन्य राज्य तुलना रे ओडिशा के गोटे केन्ता सबुतरु श्रेष्ठ राज्य हिसाब रे तयारी करा जिबा से विषय रे उभय राज्य सभापति एवं राष्ट्रीय संपादक आपण मान को उद्बोधन दे सारिछन आउ कम समय भितरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमर गहर रे आसिकिर पहुँचिबे लक्ष लक्ष लोक मानकर समावेश होइछे नुआखाई भेट सरी से नुआखिया सरी से ये अवसर आमर लगी पश्चिम ओडिशार लोक मान के लगी सौभाग्य है जे अतीत रे केंसी प्रधानमंत्री नुआखाई भेट रो शुभेच्छा पश्चिम ओडिशार लोक मान को नै दउथे प्रथम थर लगी जणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआखाई तिहार रे पश्चिम ओडिशार लोक मान को नुआखाई रो जुहार नुआखाई रो अभिनंदन और शुभेच्छा जणाउछन आउ आज संता भलिया यशस्वी प्रधानमंत्री आमर प्रिय प्रधानमंत्री आमर प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कम समय भीतर आमर गहर रे उपस्थित हेबे से तांकर उद्बोधन देबे राज्य राजनीति केंद्र सरकार रो योजना आज जेन ऐतिहासिक
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ, ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ନୂଆଖାଇ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ଆମର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛେ। ଆମର ଦେଶର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଆସିଛନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ଯେଣୁ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇକରି ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଆସିଲା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହୋଇଥନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାମା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ ଆବାଜ ଦେମା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନା ପହଞ୍ଚିବାର ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଟିକେ, ଆପଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍, ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇକରି ସ୍ଲୋଗାନ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାବେ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏଇ ମାଟିରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯିବା, ଯେନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ହେବା, ଯେନ୍ ଆୱାଜ ଉଠିବା, ବୋଧହୁଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥରେ ଦୋହଲି ଉଠିବା। ଏବଂ 2019ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିରୁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକେ ବାତାବରଣ ଯିବା ଯେ 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳୁଛେ, 2019ରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସୁଛେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ତିଆରି ହେବା, ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ଭାବନା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳି ଯିବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। 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 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା
ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମାଟିରେ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଟିରେ, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପହାର ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଆର ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକବାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ରଖବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ଜୁଏଲ ରାମଜୀ, ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ସାଥୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ରବି ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଚୌହାନ, ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, କୁନା ପୂଜା ପୁରୋହିତ, ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ 6 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜୋରରେ ଥରେ କରତାଳି ଦେଇକରି ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ 1942 ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରୁ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆକାରରେ କେହି ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 210 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦୁଇପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆଇରୋନୋର ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଇଲା କେ ଖାଦାନ ବକ୍ସାଇଟ ଡଲମାଇଟ ସେ ଭରପୁର ହେ ଇହା MCL NTPC ଆଉର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ ଲେକେ ବେଦାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଜୈସା ବହୁତ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇସ 2-3 ଜିଲ୍ଲାକେ ଅନ୍ଦର ମେ ହେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ହାମ ଲୋକ କିସିକେ ଉପର ସେ ଉଡ଼କେ ଯାତେ ଥେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆର ଫେର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ରାତ ମେ ଟ୍ରେନ ମେ ଆକେ ଇସ ଏରିଆ ମେ କାମ କରତେ ଥେ। ଆଜ ଇଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନନେ କେ ବାଦ ହାମ 2 ସେ ମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଇହା ଆକେ ଆଧା ଘଣ୍ଟା କେ ଅନ୍ଦର ମେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ର ହମ କାମ କର ସକତେ ହେ। ଇଏ କିତନା ବଡ଼ା ଯୋଗଦାନ ହେ, ବରଦାନ ହେ ଇସ ଏରିଆ କେ ଲିଏ, ଇସକୋ ଭାଷା ମେ ମେ ନହିଁ ପ୍ରକଟ କର ସକତା ହୁଁ, ଲେକିନ ଇସ ଏରିଆ କେ ଲୋକ ଇଏ ଐତିହାସିକ କାମ କେ ଲିଏ ସଦୈବ ଆପକୋ ୟାଦ କରେଙ୍ଗେ। ଆଉର ଇସକେ ଲିଏ ପୁନଃ ଏକବାର ସ୍ୱାଗତ କରତେ ହୁଏ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରତା ହୁଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେତା ହୁଁ କି ଆଜ ସମୟ ନିକାଲ କେ ହମାରା ବିଚ ମେ ଆପ ଆଏ ହେ। ଆଉର ଇସକେ ଲିଏ ମୁଁ ପୁନଃ ଏକବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେକେ ମେରା ବାତ କୋ ସମାପ୍ତ କରତା ହୁଁ। ସବକୋ ସ୍ୱାଗତ, ବନ୍ଦନ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜନସମାବେଶରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନମନ କରୁଛେ, ବନ୍ଦନ କରୁଛେ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜିର ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। परिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, ज्वेल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी,
विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बसंता पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेश पुजारी जी, विधायक श्रीमान प्रदीप पुरोहित जी, विधायक श्रीमती राधारानी पांडा जी, विधायक श्रीमान रवि नारायण नाईक जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधारी गमांग जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान सुभाष चव्हाण जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई मोरमा, दादा भाई बहन मानक नुआखाई जुआर आपन माने केंता छे, सब भलट मां समलेई समत को आशीर्वाद करूं। एटा प्रार्थना करूं छी, यही माटी है वीर सुरेंद्र साई, छबीला साई, उदंत साई, माधो सिंह, हाथी सिंह, मिटू कुवर, नरसिंह गुरु, पार्वती गिरी आओ चंद्रशेखर बहरा कर संग्राम जागा, आओ स्वभाव कभी गंगाधर महर कर जन्म स्थान। इस महान धरती के वीर सपूतों को, आप सभी को मैं एक बार फिर नमन करता हूं। आप इतनी दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ओडिशा एक बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इसकी साक्षात गवाह है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है से अब से कुछ देर पहले मुझे वीर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के शुभारंभ का और गर्जन बहाल कोयला खदान के लोकार्पण का अवसर मिला। आज से ही झारसुगुड़ा बारपल्ली सरडेगा रेल लाइन शुरू हो रही है और साथ ही दलंगा कोयला खदान से उत्पादन का श्री गणेश भी हुआ है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार उड़ीसा के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए एक के बाद एक नई योजनाएं बना रही है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा में पहला एयरपोर्ट करीब करीब 50 साल पहले भुवनेश्वर में शुरू हुआ था। औद्योगिक रूप में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद ओडिशा में दूसरे एयरपोर्ट के लिए पहले सोचा ही नहीं गया, काम किया नहीं गया। अब झारसुगुड़ा के तौर पर उड़ीसा के लोगों को अपना दूसरा एयरपोर्ट पर आज मिल गया। अब आपके लिए भुवनेश्वर, रायपुर और रांची जाना
और आसान हो गया। अभी आप लोगों को रायपुर जाना हो तो सड़क मार्ग से 4 घंटे, भुवनेश्वर जाना है तो 7 घंटे, इस नए एयरपोर्ट से अब आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। इतना ही नहीं, राज्य में 3 नए एयरपोर्ट के विकास का भी काम किया जा रहा है। कोरापुट, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में बनने वाले एयरपोर्ट ओडिशा के औद्योगिक विकास में नई क्रांति लेकर के आएंगे। साथियों, जब किसी भी इलाके में हवाई अड्डों, हवाई मार्गों का विकास होता है तो उसका सीधा प्रभाव निवेश, पर्यटन और रोजगार पर पड़ता है। जब ज्यादा हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे, जब ज्यादा बड़े हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे, ज्यादा यात्री आ सकेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप कोई भी सेक्टर सोच लीजिए, ट्रैवल, टूर, टैक्सी, होटल, रिसोर्ट, हर किसी को फायदा होगा। ये तमाम नए कार्य यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेंगे। इससे इस इलाके का दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्ता भी आसान और मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई यात्रा कर सके। आज ये सपना सच होता दिखाई दे रहा। रेलवे में एसी डिब्बों में सफर करने वालों से ज्यादा लोग अब हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपनी नीतियां ही इसी सोच के साथ बनाई है कि उड़े देश का आम नागरिक, देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग हवाई जहाज में बैठ सके, उड़ सके। इसके लिए देश भर में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है। ये नए एयरपोर्ट बड़े और छोटे शहरों में रहने वालों के बीच भेदभाव कम करने का भी काम करेंगे। साथियों, कनेक्टिविटी में हर तरह का क्षेत्रीय भेदभाव खत्म करने की ताकत होती है। सुदूर बॉर्डर पर बसे गांव हो या देश के भीतर आदिवासी इलाके हो, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना ज्यादा विकास। और इसलिए हमारी सरकार उत्कल प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए भी रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवे, इंटरनेटवे, हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज झारसुगुड़ा, बारपल्ली, सरडेगा रेल लाइन की भी शुरुआत हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में ये पहला रेल लिंक है जो सुंदरगढ़ जिले से अंदरूनी और पिछड़े इलाकों को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा।
अभी तो इससे कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, लेकिन भविष्य में यात्री ट्रेनें चलने का भी रास्ता अब खुल चुका है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा के विकास को, उसके विकास को लेकर पहले की सरकारों में कितनी गंभीरता आ रही है, ये परियोजना इसका भी एक जीता जागता नमूना है। साल 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, इस पर 30% से भी कम काम हुआ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद 4 साल में ही 70% से ज्यादा काम हुआ और आज इस रूट को उड़ीसा के लोगों को समर्पित कर दिया गया। भाजपा सरकारों में विकास के लिए किस तरह काम होता है, उनकी गति क्या होती है, आप इसे भली भांति देख रहे और समझ रहे। उड़ीसा में पिछले 4 साल में नेशनल हाईवे की लंबाई भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। इन कार्यों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ओडिशा की राज्य सरकार इन कार्यों में उदासीन नजर आती है। जितनी चिंता उसने करनी चाहिए, मुझे दिल्ली से उसको जगाना पड़ता है। दशकों पुरानी जिस रफ्तार से ओडिशा चल रहा था, वो उसी रफ्तार पर ओडिशा को चलाना चाहती है। भ्रष्टाचार और फैसलों में देरी, ये जैसे उड़ीसा सरकार की पहचान बन गई है, जो विकास के लिए रुकावट बन गई है। साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले ओडिशा को 5 साल की अवधि में 82,000 करोड़ रुपया मिलते थे। हमारी सरकार बनने के बाद अब ये राशि बढ़कर के करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया हो गई है। क्या उड़ीसा सरकार को दी जा रही इस राशि का प्रभाव जमीन पर आपको कहीं नजर आ रहा है, दिख रहा है कहीं? चिंता सताती है कि नहीं सताती है? आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं? उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा हो, कुपोषण की स्थिति हो, माता मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की गिरती संख्या हो, ये सारी बातें हर हिंदुस्तानी को, हर उड़ीसावासी को चिंता कराती है। मैं नहीं कहता कि देश के दूसरे राज्यों में ये समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का रवैया क्या है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने नवीन बाबू से आग्रह किया कि राज्य के शौचालयों के निर्माण को वो और गति दें। अब तक ओडिशा आयुष्मान भारत से भी नहीं जुड़ा है, ये योजना कल देश भर में लागू होने जा रही है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले।
आप चाहते हैं कि उड़ीसा के गरीबों को 5 लाख रुपए तक बीमारी में मदद मिले, आप चाहते हैं। लेकिन इस योजना में उड़ीसा सरकार जुट नहीं रही है। वो कहते हैं सोचेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी जो योजना राज्य सरकार चला रही है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसका हाल आप लोग भली भांति जानते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि देश भर के किसानों की एमएसपी से जुड़ी बरसों पुरानी मांग को हमारी सरकार ने ही पूरा करने का ऐतिहासिक काम किया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के धान की पैदावार करने वाले किसानों, मक्का और दाल पैदा करने वाले किसानों को भी मिलना तय हुआ। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसी तरह मक्के के एमएसपी में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है। लगभग 1100 रुपये प्रति क्विंटल लागत के ऊपर मक्का का समर्थन मूल्य 1700 रुपये हो गया है। मक्के के अलावा रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। लेकिन मुझे बताया गया कि यह उड़ीसा में किसानों को इसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए था। यहां बहुत सी जगहों पर दाल की वास्तविक खरीदी न करके सिर्फ कागजों में खरीदारी का खेल चल रहा है। किसानों के धान को जानबूझ करके खराब बताकर उन्हें खरीदने से मना किया जा रहा है। यहां आने से पहले मुझे बताया गया कि घर से जुड़ी योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, बिना रिश्वत दिए गरीबों का काम होना उड़ीसा सरकार में संभव ही नहीं रहा। यहां के लोग, कुछ लोग उसे परसेंट यानी पीसी बोलते हैं, पीसी बोलते हैं ना, सबको मालूम है ना पीसी। इसी पीसी की वजह से उड़ीसा के लोग पीसते चले जा रहे हैं, विकास योजनाओं का लाभ लेने में पीछे छूट रहे हैं। बीते दिनों में कितने ही घोटाले उड़ीसा में चर्चा में है। पौधा रोपण से लेकर पॉलीथीन तक, सहकारिता विभाग से लेकर के सड़क निर्माण तक, सिंचाई से लेकर के सत्तू तक में घोटाला करने का आरोप सरकार में शामिल लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में भला विकास कैसे होगा? और इसलिए ओडिशा में एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। ये परिवर्तन ही आपकी आशाओं उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, आज यहां गर्जन बहाल कोयला खदान का लोकार्पण किया गया है। आज से ही दुलंगा कोयला खदान से नियमित कोयले के उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इन माइन से निकलने वाला कोयला बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। साथियों, यहां के नौजवानों की उम्मीदें, उनके हर सपने पूरे हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए यहाँ के नौजवानों के कौशल विकास पर अलग से ध्यान दिया गया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर से जुड़े कार्यों को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना भी की हुई है। राज्य में 24 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल अभियान के तहत वर्ष 2020 तक राज्य के 3,00,000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ओडिशा में करीब 1 करोड़ लोन वितरित किए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहाँ के लोगों को स्वरोजगार के लिए दी गई है। साथियों, मैं साफ देख रहा हूं युवा ऊर्जा से भरपूर उड़ीसा अब आगे बढ़ने के लिए लालायित है। दशकों से पिछड़ेपन को उड़ीसा पीछे छोड़ देना चाहता है। केंद्र सरकार भी इसमें उड़ीसा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। राज्य के जो सबसे अधिक 10 पिछड़े हुए जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं, उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है उड़ीसा को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, वो विकास मिले जिसका उड़ीसा हकदार है, उड़ीसा का हर नागरिक हकदार है। आज सुबह तालचेर और फिर यहां झारसुगुड़ा में शुरू हुई योजनाएं इसी की एक कड़ी है। आप सभी को इन योजनाओं के लिए एक बार फिर मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी, विशेष करके मेरे नौजवान भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।